नमस्कार सभी को, यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में साइंस हिस्से में 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं, तो किसमें विद्युत ऊर्जा अधिक उपभुक्त होती है? 250 वोल्ट का टीवी सेट जो एक घंटे तक चलाया जाता है, मतलब एक टीवी है 250 वोल्ट का, तो उसको एक घंटे तक चलाया जाता है। दूसरा है 120 वोल्ट का हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है, तो किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा लगती है, मतलब एक टीवी में या हीटर में? तो टीवी द्वारा इसका सॉल्यूशन होगा, टीवी द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा, तो कितनी ऊर्जा यूज में लेते हैं हम उसको हम फाइंड आउट करते हैं। पी मल्टीप्लाई टी, मतलब पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर हमारे यहाँ पे 250 वोल्ट है और टाइम हमारा एक घंटे का है, तो ये 250 वोल्ट पर आवर खर्च होती है। हीटर द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा सेम वही रहेगा, पी इंटू टी। हीटर में जो पावर है वो 120 वोल्ट का है और उसका जो टाइम है वो 10 मिनट का है, तो यहाँ पे हमें जो टाइम है वो घंटे में निकालना है, तो 10 मिनट के हम घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 6 से 6 दूनी 12, 0 20। तो इसमें टीवी में अधिक ऊर्जा उपभुक्त होती है क्योंकि इसमें 250 वोल्ट हो रही है पर आवर और इसमें 20 वोल्ट पर आवर। सेकेंड क्वेश्चन है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर मेष से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। मतलब कोई हीटर है जिसमें 8 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 2 घंटे तक चलेगा 15 एम्पीयर विद्युत धारा से, तो जो प्रतिरोध है आर, जिसको हम आर बोलते हैं प्रतिरोध को, 8 ओम है, धारा को आई लिखते हैं, आई से डिनोट करते हैं, वो 15 एम्पियर है और जो समय हमारा है वो 2 घंटे है, 2 आवर्स। उष्मा का फॉर्मूला होता है वी आई टी, दर जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उसका फॉर्मूला होता है एच अपॉन में टी, और एच किसके इक्वल है, वी आई टी के, तो यहाँ पे एच की जगह पे वी आई टी अपॉन में एच, वी आई टी अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वी आई आ जाएगा। अब वी आई, वी किसके इक्वल होता है, आई आर के, तो इस वी की जगह पे आई आर रखेंगे, आई आर आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आई हमारा कितना है 15, तो 15 गुणा 15 और आर कितना है हमारा 8, तो 15 की 15 से गुणा करेंगे, 15 225 गुणा 8, 8 से गुणा करेंगे, 8 पंच 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 4 20, 2000 इसका आंसर होगा।